अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम पढ़ेंगे तकरीबन आर्टिस्टिक मीडिया के जो जिसमें फ्लाई आउट में जितने टूल्स हैं हम पढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आर्टिस्टिक मीडिया है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस क्लास में, इसकी अलग से, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो आज के क्लास में हम लाइव स्केच पढ़ेंगे और स्मार्ट ड्राइंग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये वाले मेनू पढ़ लिया था और बड़े अच्छी तरह से पढ़ लिया था। तो आज के मेनू में सिर्फ हम ये लाइव स्केच और प्लस स्मार्ट ड्राइंग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी दोस्तों, हम एक कोरल ड्रा के इंटरफेस पे आके एक पेज हमारे सामने खुला हुआ है और आज के पहले हम लाइव स्केच को पढ़ लेते हैं। तो लाइव स्केच पे हमने क्लिक कर दिया और लाइव स्केच के यहाँ पर इसके ऑप्शन आ गए। इसका मतलब है ये सेकंड्स है, यानी ये टाइमर है, कितनी टाइम के लिए ये इसको कम से कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम रखेंगे 1 सेकंड और बाई डिफ़ॉल्ट भी ये 1 सेकंड ही होता है। ये 1 सेकंड हम रख लेते हैं और इसका मतलब ये है, अभी मैं एक लकीर खींच लेता हूँ। लेट सपोज मैंने ये एक लकीर खींच लिया है और ये तो लाइव स्केच का मतलब क्या है? लाइव स्केच का मतलब ये है कि मैं एक रफ़ चीज़ बना लेता हूँ और वो मेरे लिए साफ़ एंड नीट बन जाता है। अब इसके भी जिस तरह के हर टूल के साथ ये है, तो यहाँ से हम इसकी कर्वनेस या टेढ़ापन सीधा कर सकते हैं और कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब लेट सपोज कि मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर लेता हूँ तो जो मैं बनाऊँगा वही होगा, तकरीबन ये इस तरह के हो। लेकिन आप जितना इसको ज़्यादा करेंगे और 100% करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल साफ़ और नीट हमें दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो हमारा ये हमारा है, ये जो नीला नज़र आ रहा है, और ये दूसरा करो इसका है। मसलन इधर मैं एक छोटा सा बना लेता हूँ, ये देखिए ये इसने इसके साथ मिला लिया। वो क्यों मिला लिया वो भी आपको बता देता हूँ। एक दफ़ा मैं सबको ख़त्म करके ये एक छोटा सा मैं बना लेता हूँ, ये 100% पे है। और अब मैं इसको 0% पे कर लेता हूँ। 0% पे ये है कि इसके सारे जो है ना वो नोक हमारे सामने हैं। और दूसरी बात ये कि मैं एक लाइव कर्व पे भी इसको मैं कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं एक दोबारा एक लेकर आता हूँ और इस दफ़ा मैं चलो इसी को ही दोबारा ले आते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब लाइव स्केच पे मैं इसकी स्केचिंग कर लेता हूँ। ये देखिए मैं रफ सा बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया यहाँ से और यहाँ से मैंने बना लिया और ये रफ सा इसने कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि मैंने 0 पे कर दिया। अब अगर मैं 0 पे कर दिया मैंने, तो मैं फ़र्ज़ करे इस दफ़ा मैं थोड़ा सा इसका ज़्यादा करके इस पर कर लेता हूँ और ये देखे अब मैं 100% पे कर लेता हूँ। तो होगा क्या, थोड़ा सा मैं करीब कर दूँ, ये देखो ये इस तरह से, ये देखे ये इसने सारे वो चीज़ें ख़त्म कर दी। वो हमें जो रफनेस था वो इसमें ख़त्म हो गया। और मेरा मकसद आप समझ गए, हमारा ये था, ये देखे ये हमने किस तरह बनाया था और इसने नोक पलक इसकी सीधे करके और बड़ा अच्छा सा बना दिया। अगर आपको ड्राइंग आता है तो आपके लिए ये बेहतरीन है। ये देखो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ और इस तरह से बना लेता हूँ और ये मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसको हम जोड़ लेते हैं तो, और यहाँ पर एक सेंटर में ये बना लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे करके ये हम मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। अगर आपके पास नोट पैड है तो उस पर आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए आप सबको कलर वगैरह भी दे सकते हैं। मसलन ये मैं तकली सा बना लेता हूँ।
ये मैंने तितली बना ली, बस जो भी आप समझे ये मैंने बना ली। यानी इस पे आप लाइव ड्राइंग बना सकते हैं, जिस तरह कि आप ट्रेसिंग पेपर पे बना लेते थे आप इस पे बड़े आसानी से बना सकते हैं, और बाद में इसको शेप टूल पे जाके इसको मज़ीद आप ठीक भी कर सकते हैं। ये देख, ये सिर्फ नहीं कि आपने गलती की, और यहाँ से आप इसको मज़ीद ठीक कर सकते हैं, ये देखें, और जो इसके साथ बड़ा सा खेल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस वाले पे दोबारा आ जाता हूँ और अब इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये एक सेकंड के लिए इसके जो ये है कितनी देर के लिए रह जाना, ये टाइमर है, और फिर उसके बाद ये है इंक्लूड कर्व, अगर करेंगे तो ये बंद हो जाता है, आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते हैं, और सारे कर्व ये देखें, वो सारे कर्व इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसको अगर आप ऑन कर लेते हैं, इसको अगर आप ऑन कर लेते हैं तो अपनी मर्ज़ी से इसके करो रख सकते हैं, ये देखें, सही है ये यहाँ पे। अच्छा, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पुराना पड़ा हुआ है, तो मैं ये देखें इसने आगे एक्सटेंड कर देना है, यानी आपके पास एक पुराना सा पड़ा हुआ है यहाँ तक है और मज़ीद आप यहाँ कर सकती है, देखिए इसने इसको मिला दिया, सही है। और ये एक काम और भी कर लेता है, लेट्स सपोज कि आपने आपसे गलत बन गया था तो ये मज़ीद इसको ये देखे मैंने ये जगह निकाल देनी है, तो ये इस तरह काम भी कर लेता है, ये इस तरह से काम भी कर लेता है, और यहाँ से, और अब इसको मुख्तलिफ ये बना लेते हैं, और इसके बाद स्मूथनेस ये तो मैंने आपको पढ़ लिया। ये जो है बटन, अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ ये भी हर टूल के साथ आ जाता है, तो ये बाउंड्री, ये जो डॉट्स नज़र आ गए ये आपको दिखा देगा, अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको ये फिर शो नहीं होगा। बस इस टूल के बारे में इतना ही था, आप जाके इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टूल पे, और दूसरा टूल है इसमें स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग में ये है कि लेट्स सपोज हम कोई जल्दी जल्दी कोई स्केच बना रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो हमें अचानक उसकी सर्कल की ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करते हैं, ये इसको ऐसे कर लेते हैं और ये खुद ब खुद सीधा कर लेगा। और लेट्स सपोज कि हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये देखें इसने रिकग्नाइज़ किया। यहाँ पर इसके कुछ वैल्यूज़ है, हाँ नन है, और लोवेस्ट, लो और मीडियम, और हाई और हाईएस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये किस लिहाज से, कुछ चीज़ें ऐसे जो ये रिकग्नाइज़ करते हैं, मसलन जाने पहचानी चीज़ें जो है ट्राइंगल, ये एक रिकग्नाइजेबल चीज़ है। अब ये देखिए इसने ट्राइंगल बना दिया, और उन चीज़ों की आप क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं, तो इसको भी मीडियम रखें, और स्मार्ट स्मूथिंग ये कितने स्मूथ बना लेता है, तो इसको भी आप जो मर्ज़ी रख ले लेकिन मीडियम पे रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए ये इसने रिकग्नाइज़ कर लिया कि, और कुछ मसलन मैं इसको ये कह देता हूँ कि ये रिकग्नाइज़ करे, तो ये इसने इस तरह से रिकग्नाइज़ किया। बस इसमें कुछ इतना नहीं है, इसमें भी ये ऊपर आप इसके लकीर बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से डॉट्स वगैरह इसको बना सकते हैं, और ये इस तरह का ये काम कर लेता है, और बड़े अच्छी तरह से ये आप एक्सप्लोर करें और देख लीजिए कि इसमें मज़ीद आप क्या कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये ऐसे काम कर लेता है, बाकी यूज़ आपने ख़ुद कर लेना है। इंशाल्लाह जब हम एडवांस पे जाएंगे और कोई ड्राइंग वगैरह शुरू करेंगे तो इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जानी है, और बड़े अच्छे से हम वहाँ से इसको पढ़ेंगे। So these are all for today's, and we will meet in another class, and Allah Hafiz.